हेलो दोस्तों, ये मेरी आयरलैंड की दूसरी ट्रिप है इस बार। और लास्ट टाइम मैंने वैसे डिटेल में वीडियो बनाई थी किस तरीके से तैयारी करनी होती है, और इस बार थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताना चाहूंगी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको किसी तरीके से एयरपोर्ट में पहुँच के प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे जो चेक इन स्टाफ होता है वो आपको ये ना बोले कि ये सामान इस बैग में होना चाहिए था, ये इसमें होना चाहिए था, या ये सामान आपको अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं, जिनको भी हो सकता है आपसे किसी के काम आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास रहता है एक हैंड बैग इस तरीके का होता है, और ये होता है चेक इन बैग। तो हैंड बैग में जितने भी बैटरी ऑपरेटेड आपके पास गैजेट है, चाहे वो टैबलेट है, मोबाइल फोन हो गया, और वॉच हो गई, लैपटॉप हो गया, इस तरीके के जितने भी बैटरी ऑपरेटेड आपके पास गैजेट्स हैं वो सारे रखिए अपने हैंड बैग में। और बाकी जैसे कपड़े हो गए, और जैसे कि मैं कॉस्मेटिक भी लेके जा रही हूँ, लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया डिटेल में क्या क्या आपको इंडिया से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ले जाना चाहिए बाहर, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे। और मैं कम से कम 3-4 महीने का अपना कोटा लेकर जा रही हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है मेरे को। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगर आपको क्यूरियोसिटी है या आपके अगर इस तरीके से ट्रैवल करना है। तो ये सारा सामान जो होता है, कपड़े हो गए, कॉस्मेटिक हो गया, और खाने पीने का जैसे मतलब मसाले वसाले जो कि वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ के हिसाब से आप रखना चाहें, तो वो सारे आपको चेक इन बैग में रखने चाहिए। अभी तक हमने इकोनॉमी से ट्रैवल किया है, इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल किया है, तो उसमें क्या था, वेट लिमिट 23 से 27 kg चेक इन बैग की लिमिट रहती है, और हैंड बैग की लिमिट रहती है 8 kg। इस बार थोड़ा सा चेंज है, इस बार हमें मतलब बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं, तो चेक इन बैग की लिमिट है 33 kg, और हमारे हैंड बैग की लिमिट 8 kg, मतलब जो कि सेम है, और 8 bag हमको एक्स्ट्रा अलाउड है। तो मतलब टोटल हम 2 लोग हैं, तो 3 bag हमारे पास चेक इन बैग है, 32 kg पर है, 32 और 33, और हैंड बैग हमें अलाउड है। तो हमारा बहुत सारा सामान मतलब इस बार कन्वीनियंटली हम ले जा सकते हैं। और ये जो चेकिंग बैग होता है दोस्तों, ये हम वहाँ चेकिंग काउंटर में चेक करवा के हम फ्री हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट हमें डेस्टिनेशन पे मिल जाता है। और हैंड बैग जो होते हैं ये हमेशा हमारे पास रहते हैं, तो इस तरीके से ये सामान वहाँ पे पहुँचता है। सेकेंडली, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आप जब भी चेकिंग होगी तो एक बारकोड यहाँ पे इस तरीके से कहीं पे वो प्लेस कर देते हैं, और वो बारकोड मतलब स्कैन करके पता चलता है कि डेस्टिनेशन आपका क्या है। तो अगर जब भी आप एक बार ट्रैवल पूरा कर ले तो उस बार कोड को हमेशा हटा देना चाहिए, जैसे मेरे पास है नहीं, अभी मैंने हटा दिया था, क्योंकि उस वजह से क्या हो सकता है, अगर सेकंड मतलब अगली बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और बार कोड आपका वो पुराना वाला भी रहा और नया वाला भी लगा, तो हो सकता है पुराने को स्कैन हो जाए गलती से, हो सकता है, क्योंकि एक बंदे के साथ ऐसा हुआ था हमारी पहचान के, उन्होंने पुराना जो बार कोड था वो बैग में ही लगा हुआ था, और वो जो बैग था वो गलत डेस्टिनेशन में पहुंच गया था क्योंकि वो पुराना बार कोड था। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। एक चीज़ और है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेशली हम रखते हैं अपने हैंड बैग में ही रखते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि होता ये जैसे आपका चेक इन हो गया जो जहाँ से भी आप डिपार्चर कर रहे हैं, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कनेक्टिंग फ्लाइट जहाँ से होती है वहाँ पे भी वो लोग कभी कभी क्वेरी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो इसको हमेशा ट्रांसपेरेंट बैग में इस तरीके से अपने हैंड बैग में ही रखिए। एक हमारा कोई फ्रेंड था, उसने क्या किया था कि वो डिपार्चर हुआ था मतलब चेक इन करवाया, और बैग अब उसने अपने चेक इन बैग में डाल दिया, मतलब इस तरीके के डॉक्यूमेंट थे उसने अपने चेक इन बैग में डाल दिया, और उसको कनेक्टिंग फ्लाइट पे बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर उसको प्रूफ के लिए मेल वेल ये सब चेक करना मतलब कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, तो उस चीज़ के लिए ये हमेशा अपने हैंड बैग में रखिए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी आपके कॉस्मेटिक हैं इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बैग में ही रखिए, इनकेस अगर उनको कोई इस तरीके से समझ में ना आए या क्वेरी करें या कि ये क्या है चीज़ें, तो आप इजीली उनको दिखा सकते हैं बैग खोल के, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर कुछ उनको डाउट होता है या अगर समझ में नहीं आता चेकिंग स्टाफ को, तो वो इस तरीके से बोल सकते हैं कि क्या है इसमें दिखाइए। तो आप अगर ट्रांसपेरेंट बैग में इस तरीके से रखेंगे तो ईजिली वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और आपके लिए भी ईजी है और उनके लिए भी ईजी पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं फ्लाइट में, जैसे कि फ्लेमेबल कोई भी चीज़ हो आप नहीं कैरी कर सकते, और नेपथलीन बॉल्स हैं वो भी अलाउड नहीं है, आप मतलब ट्रबल क्रिएट हो सकता है आपके लिए अगर डिटेक्ट हो गया तो। फ्लेमेबल जैसे लाइटर और ये सब ये तो बिल्कुल मत ले जाइए, बहुत रिस्की भी है फ्लाइट के लिए, सबके लिए, सब लोगों के लिए सेफ्टी पर्पज से ये चीज़ें वहाँ अवॉइड करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें मत रखिए बिल्कुल भी। और जैसे लेड एसिड बैटरीज हैं ये भी अलाउड नहीं है, ये भी आप नहीं कैरी कर सकते। तो इस तरीके जैसे फ्लेमेबल प्रोडक्ट हो गए और लेड एसिड बैटरीज हैं, ये किसी भी बैग में आप कैरी नहीं कर सकते, चाहे वो हैंड बैग हो और चाहे वो चेकिंग बैग हो।
और दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिए, जैसे कि कोई भी पॉइंटेड चीज हो, जैसे सीजर हो गया, स्टेपलर और नेल कटर, इस तरीके की जो भी चीजें हैं, ये बिल्कुल भी आप हैंडबैग में मत रखिए, क्योंकि वो वहां से आपको आगे कैरी नहीं करने देंगे, वहीं पर हटा देंगे। तो उससे बेटर है आप इस तरीके के सामान को अलग से एक इस तरीके किट बना के अपने चेकिंग बैग में ले जाएं। तो दोस्तों अगर आप कोई लिक्विड वाली चीज कैरी कर रहे हैं और वो 150 ml से उसकी क्वालिटी कम है, तो आप उसको अपने हैंडबैग में भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बैग में रखें ताकि आप उनको ऐसा शो कर सकें। और दूसरा, वो सील्ड होना चाहिए, जो पैक है आपका वो पूरा सील्ड होना चाहिए। और वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप चेक इन में ही इसको रखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान आप ले जा सकते हैं। मतलब कोर्ट का अपने पर्टिकुलर रूल्स है, उस हिसाब से कहाँ से आप डिपार्चर कर रहे डिपेंड करता है। लेकिन आप उसको कैरी मतलब चेक इन बैग में ही अगर कैरी करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इन केस अगर ले जाना चाहे तो हैंड बैग में ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती है, उसको ध्यान रखें और हमेशा सील्ड पैक में ही रखें। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि आप इजीली दिखा सकते हैं, आपको ज्यादा ये हर एक चीज खोल खोल के नहीं दिखानी पड़ेगी। तो ये फूड प्रोडक्ट में आप क्या क्या चीजें मतलब किस तरीके से आपको ले जानी चाहिए। चेकिंग बैग में तो आप ले जा सकते हैं काफी चीज, जैसे मसाले वसाले हम लोग भी ले जाते हैं, अचार उचार थोड़ा, लेकिन इतना भी मत ले जाइए कि 10-15 पैकेट की उनको लगे कि ये वहाँ पे बिजनेस करने के लिए ले जा रहे हैं दूसरी कंट्री में। और फ्लाइट चढ़ने से पहले आप एक बार देख लें कि किस कंट्री में आप जा रहे हैं और वहाँ के फूड रेगुलेशन किस तरीके से, कौन कौन से प्रोडक्ट अलाउड हैं कौन से नहीं है। और स्पेशली मैंने देखा है कि ओवरऑल हर कंट्री में आप देखेंगे कि सीड अलाउड नहीं करते हैं वहाँ पे, स्पेशली बोर्ड भी लगे रहते हैं एयरपोर्ट्स में। तो सीड आप जितना भी हो, किसी भी तरीके का बीज हो, अवॉइड ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी हल्का फुल्का सामान तो हर कोई कैरी करता ही है, लेकिन एक लिमिट में ही हो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लिमिट में, जैसे आप 23 kg की बैग की लिमिट है और आप उसमें से 18-19-20 kg मतलब मसाले लेके जा रहे हैं, तो कस्टम आपको मतलब क्वेरी करेगा और हो सकता है आपका सामान किनारे भी करवा दें या एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है किस तरीके का स्टाफ का क्या रोल है आपके। अगर पर्सनल यूज के लिए है और आप वहाँ पे जस्टिफाई कर पाए कि आपके पर्सनल यूज के लिए है, तो वो आपको तब भी ले जाने दे सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा सामान इस तरीके से भर के ले जाएंगे तो हो सकता है वो आपको हटवा दें। तो दोस्तों मेरे बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि कितने लैपटॉप्स और कितने मोबाइल गैजेट्स हम कैरी कर सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। तो 2 लैपटॉप तो आजकल बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि वर्क प्लेस में आप अलग सिस्टम यूज करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए अलग, और अगर उससे ज्यादा भी आप करना चाहें तो आपको उनको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन, हो सकता है वो प्रूफ मांगे कि आपके पर्सनल यूज के लिए ही है, तो वो आपको इजीली ले जाने देंगे। और दोस्तों वही है कि गैजेट्स की एग्जैक्ट लिमिट तो मैं नहीं बता सकती कितने नंबर्स में, लेकिन जैसे हम लोग दो पर्सन ट्रेवल करते हैं हमेशा साथ में, तो हमारे पास लगभग दो लैपटॉप रहते हैं और क्या कहते हैं 3-4 मोबाइल रहते हैं और बहुत सारे ये गैजेट्स हमारे पास छोटे मोटे टैबलेट ये सब रहते हैं। तो इजीली उन्होंने कभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया इस एरिया का, तो मुझे नहीं लगता वो मतलब अगर पूछे तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आपके पर्सनल यूज के लिए है, बस आपको उनको प्रूफ करना होगा। और उस देखिए ये एक बोर्डिंग पास है जो कि आप चेकिंग के बाद आपको देंगे, वहाँ पे काउंटर पे मिलेगा। और ये बैगेज स्टिकर आपको इस पे पेस्ट कर दिया जाता है आपके बोर्डिंग पास में। तो इससे क्या होता है, इनकेस अगर आपको बैग कभी भी खो जाता है, ऐसा हो जाता है, कॉमनली ऐसा होता है कि लोग के बैग खो जाते हैं मतलब या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो उस केस में आपको ये बार कोड उनको दिखाना होगा ताकि वो स्कैन करके डिटेक्ट कर पाए, पहले तो वेरीफाई कर पाए कि वो आपका बैग है, और दूसरा डिटेक्ट कर पाए कि वो किस जगह पे है। इस तरीके से मतलब ये जो स्टिकर है इसको नहीं खोना है, इसको अच्छे से संभाल के रखना है, मतलब ये चिपकाया होता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था मेनली कि मतलब इस तरीके की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बाद में ऐसा लगता है कि मतलब प्रॉब्लम वहाँ पे एयरपोर्ट में जाके हो सकती है कि ये सामान निकाल के दूसरे बैग में डालो, उसका निकाल के यहाँ डालो। तो बेटर है, हमको भी एक दो बार ऐसा हो चुका है पहले, उसी बेसिस पे मैं बना रही हूँ। तो आई होप कि आपके किसी के काम आ जाए। कि बाकी तो मैं पैकिंग कर रही हूँ और कंटिन्यू करूँगी आगे आयरलैंड पहुँचने तक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि मैंने तो अभी आपने अकॉर्डिंगली ऐसे बना दी है वीडियो जो मुझे लग रहा था कि बताना चाहिए तो मैंने बना दी, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए हमेशा 2.5 से 3 घंटे पहले वहाँ एयरपोर्ट में पहुँच जाएँ ताकि सहूलियत से आप आराम से चेक इन करवा सकें और कुछ अगर परचेज करना हो तो कर सकें, ड्यूटी फ्री वो सब वहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।